नमस्कार, फिर से मैं रोहित, आप सभी का स्वागत है रोहित फ्लावर हन में। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा नया वीडियो, जो अगला वीडियो है वो आने वाला है फ्लावर वन हॉर्न को कैसे डिवॉर्म करते हैं, बेस्ट वे क्या होता है फ्लावर हॉर्न डिवॉर्म करने का, तो ये वीडियो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। एक प्रोडक्ट ये आता है जो कि फ्लावर हॉर्न क्लिंजर है, जो WA का आता है। उसके बाद वॉर्म आउट आ गया, उसके बाद आ गया हमारा पेलेट्स जो हम डेली फीड करवाते हैं फ्लावर हॉर्न को। ये तीनों प्रोडक्ट्स आ गए जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। अब मैं इसके यूज़ बताता हूँ कैसे करते हैं। इसे आपको सबसे पहले एक स्पेस ले लेना है, जैसे मैंने एक लिया हुआ है। उसके बाद इसमें कुछ पेलेट्स वगैरह जो हैं, जो मैं खिलाता हूँ डेली फीड करवाता हूँ, वो मैं डाल देता हूँ और वार्म आउट को अच्छे से सेक कर लेता हूँ। सेक करने के बाद मैं कुछ ड्रॉप्स इसमें डालूँगा। इस ड्रॉप को डाल के जितने भी पेलेट्स हैं इसके साथ अच्छे से मिला देना, ताकि पेलेट्स वगैरह जो हैं ये वार्म आउट को सोक कर ले। ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस कुछ मिनट्स के लिए, 2 या 3 मिनट्स के लिए, ठीक है। ये जब तक सोक हो जाएगा तो ये जितने भी वार्म आउट वाला जो लिक्विड है वो पेलेट्स में चला जाता है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ से उठा के पेलेट्स, ज़्यादा लेट ना करके, आप फिश को दे दो, ठीक है। फिश देखो आराम से खा लेगा। आपको डिवॉर्मिंग मंथ में एक बार करके करवानी है। बड़े फिशेज जितने भी होते हैं, अराउंड 4 इंच 5 इंच के ऊपर जितने भी होते हैं, तो मैं वार्म आउट ही प्रेफर करता हूँ इन सब फिशेज के लिए, क्योंकि इसमें वॉर्म्स ज़्यादा होते हैं और वार्म आउट सबसे बेस्ट होता है। और इस टाइप के फिशेस के लिए जो होते हैं वो आप डायरेक्ट वो क्लिंजर जो मैंने दिखाया हुआ था प्रोडक्ट, वो आप यूज़ कर सकते हो वीकली आप, क्योंकि उसमें गार्लिक एक्सट्रैक्ट होता है और काफ़ी कुछ अच्छा है, हर्बल है, तो मेरे ख्याल से वही सही होता है छोटे फिशेस के लिए। बड़े फिशेस के लिए वार्म आउट सही होता है और छोटे फिशेस के लिए ये नॉर्मल सा। पहले तो आपके मन में ये भी क्वेश्चन चल रहा होगा कि फ्राई आप ले रहे हो या फिर फ्राई को बड़ा कर रहे हो, तो उनको भी डिवॉर्म करना ज़रूरी है कि नहीं। जैसे कि फ्राई ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं खाना, ठीक है, जब हेड पॉप होना शुरू होते हैं ना, तब जाके इनको डिवॉर्मिंग का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन का खाना ले रहे हैं तो इनका प्रोसेस काफ़ी, मतलब फूड प्रोसेसिंग जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो लीवर इन लोगों का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उस वजह से इन लोगों को वाइट पूप का भी प्रॉब्लम आने लगता है, फिर स्ट्रेस में भी जाने लगते हैं, हेड डाउन होने लगता है, तो डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी फिशेज के लिए। बट छोटे में इन लोगों को उतना ज़रूरत नहीं होता है, जैसे जैसे ये स्टेज बाय स्टेज बढ़ते हैं इन लोगों को डिवॉर्मिंग करवाना पड़ता है। वैसे करवाने से प्रॉफिट यह है कि आपका फिश तुरंत बीमार नहीं पड़ेगा, स्ट्रेस में नहीं जाएगा, हेड डाउन नहीं करेगा, कलर टोन डार्क नहीं करेगा, ये सब होता है, तो डिवॉर्म करवाने का बहुत सारा फ़ायदा रहता है। और पता नहीं कितना कैसा बना पाया मैं वीडियो, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट वीडियो में इतना सारा प्यार देने के लिए और क्वेश्चंस डालने के लिए। मैं चाहता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे भी एक वीडियो आएगा, मेरा एक भाई ने मुझे कहा हुआ था, बहुत जल्द मैं उस टॉपिक पे ला रहा हूँ वीडियो। तो अगला वीडियो उसके बाद फिर क्या करना चाहिए आप मुझे ज़रूर से इसमें कमेंट करें, मैं इसके बाद जो भी वीडियो लाऊँगा उस टॉपिक पर लेके आऊँगा। जितने भी क्वेश्चन हैं आप डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँगा। और इमरजेंसी पर्पज़ अगर है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, बेफिक्र आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा नंबर मेंशन है, आप वहाँ से देख लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, इसी वीक में, होप सो। और आपका जितने भी क्वेश्चन है आप डाल दो, एंड डू लाइक सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है। अगर मैं इम्प्रूव कर पा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम और भी है, तो आप इसके लिए की मुझे बताइए, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कोशिश करूँगा आगे हेल्प करने की। और बहुत बहुत शुक्रिया फिर से, एंड लव यू गाइज। तब तक आप इन्जॉय करें, ओके बाय। हाँ, बट जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप काफ़ी सभी ने मेरा वीडियोस देखा है बट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर अपना अंगूठा मार दें, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाएगा।